भी छोटी थी। अबे छिनाल, उनका नुन्नी छोटा नहीं था, तुम्हारा छेद बड़ा था। यार तुम लड़कियाँ खाली टाइम में क्या करती हो? कुछ नहीं, बस ब्लॉक लिस्ट में से 3-4 पंछी आजाद कर देते। ओ अच्छा अच्छा, इसका मतलब एक साथ 3-4 से झेल लेती है। अबे कितना बड़ा गुफा है तुम्हारा। भैया को सूट वाली लड़की भी चाहिए और भैया को वन पीस वाली लड़की भी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा भैया? हमें सूट वाली लड़की नहीं चाहिए, हमें चूत। पर तू तो रंडी है, तुझे क्या दूं? यार तुझे तेरे एक्स की याद नहीं आती? यार उसको भी क्या याद करना, जो एक जगह ऑनलाइन होके 10 जगह अपनी लाइफ। रिलैक्स गाइस, खुद की बात कर रही है रांड। तुझे छोड़ने का कोई इरादा तो नहीं था मेरा, लेकिन क्या कर? कोई 150 की जगह 300 देने लगा था। तुमने कॉल किया था? हाँ, मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को चाहिए था, बोले एक नेट का कितना है। लड़कियाँ तो सिर्फ पैसों पे मरती है। तो कमा ना भोसड़ी के। तू रेट तो बता, पैसा बहुत है अपने पास। लड़के कभी गलत नहीं हो सकते, और ये बात हर लड़के को लगता है। बिल्कुल सही लगता है। रील तो सब भेजते हैं, तुम अपने दोस्त का नंबर ही भेज दो। मेरे दोस्त को बंदी पसंद है, न कि तेरी जैसी जीबी रोड वाली रन। यार क्या हुआ, थैंक यू है। यार यहाँ पे मेरे शादी करने का मन नहीं हो रहा और मेरे दोस्तों की पत्नी हो रहा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने कस्टमर को बोलो कोंडम यूज ना करे, तेरी भी बच्चे हो जाएंगे। भैया को लड़की दूध से धुली हुई चाहिए, भले ही भैया ने कितनों को गोरी बनाया। माँ बाप के लौरे लगे हैं अपनी इज्जत बचाने में, और बेटी लगी पड़ी है जगह जगह कराने में। हाँ, लड़कियाँ भी धोखा देती है मेरी जान, जब बात उसकी इज्जत पे आ जाती है। चिल गाइस, वो इज्जतदार लड़कियों की बात कर रही है, अपनी नहीं। क्या हुआ यार, इतनी खुश कैसे है? यार जिंदगी में मैंने सारे कांड किए, लेकिन स्विमिंग पूल में जाके ना सूसू नहीं की। सारे कांड मतलब चुदाई भी। मैंने फेल होकर भी देखा है बहन, नहीं करवाते घर वाले शादी। एक बार प्रेग्नेंट होके देख। अभी भी टाइम है सुधर जाओ मेरी जान, क्योंकि आजकल बाजार में प्यार नहीं जिस्म बिकता है। अच्छा तो तू कितने में बिकती है चिनाल? अपना ये एटीट्यूड कहीं और जाके दिखाओ, मैं जानती हूँ तुम्हारी औकात, तो मुझे भौंक के मत। और ये जो तू अपना एटीट्यूड दिखा रही है, उस एटीट्यूड को हम अपने लंड पर रखते हैं।